कोई बात को लग जा तो लग जा, आप ही क्या करना था, मर तो लग जाती। मुझे उनसे डर नहीं लगा, मैं उन चारों को डंडे से मारती। हरियाणा के भिवानी में चार बंदूकधारियों को झाड़ू से खदेड़ती एक बुजुर्ग महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। ये कथित हमलावर शकुंतला देवी के बेटे पर गोली चला रहे थे। ये घटना 27 नवंबर की है। शकुंतला देवी का कहना है कि उन्हें लगा कि बाहर बच्चे पटाखे फोड़ रहे हैं, जिससे उनकी भैंसे डर गई थी। लेकिन जब वो बाहर निकली तो उन्होंने देखा कि चार लड़के उनके बेटे पर गोलियां चला रहे थे। बाहर लेकर के देखूं तो जब मैं बाहर निकल कर आई तो देखा कि वो चारों फायरिंग कर रहे हैं। उस समय वहां कोई भी नहीं था, लेकिन मेरे हाथ में एक बड़ी झाड़ू थी। उन्होंने एक गोली मेरी ओर भी चलाई जो मेरे हाथ को छूते हुए निकल गई। बाकी गोलियां दीवार और इधर उधर लगी। इसके बाद वे वहां से भाग गए। उन लोगों ने कम से कम 10 गोलियां तो चलाई ही होंगी। उस वक्त मुझे डर नहीं लगा। ये करना था। जब बेटे पर गोली चल रही हो तो माँ कैसे डर सकती है। मेरे बेटे को भी 3-4 गोलियां लगी हैं। शकुंतला देवी का कहना है कि उस वक्त उन्हें कोई डर नहीं लगा। उनका कहना है कि वो हमलावरों को पहचानती नहीं है। ना डरना नहीं चाहिए जी, इस बात इस मौके पर डरना नहीं चाहिए। अगर कुछ ऐसा हो रहा हो तो लाठी उठानी चाहिए, बराबर की टक्कर देनी चाहिए। शकुंतला देवी के पति का कहना है कि हमलावर उनके बेटे को निशाना बनाने आए थे, लेकिन उनकी पत्नी बहुत बहादुर हैं और उन्होंने बहुत बहादुरी से उनका सामना भी किया। तो इसकी तरफ भी गोली चलाई है और गोली चलाने के बाद में इसने फिर दोबारा लाठी बाकी वो भाग गए और हमारा लड़का एकदम अंदर चला गया। अंदर जाने से वो बचाव हो गया, नहीं तो उन्होंने तो काफी गोलियां दागी हैं। उन्होंने अपनी जान में कसर नहीं छोड़ी कोई किसी प्रकार की, मतलब कमजोर दिल की नहीं है किसी तरफ से भी। इनने इतना काम भी हमारे गांव में काफी साल रहे, हम तो यहाँ 20 साल के करीब हुए आए, हमें हमारे गांव में जितना इसने काम किया है ना शायद किसी महिला ने काम किया हो इसके मुकाबले में, काम नहीं कर सकती कोई इसके मुकाबले में। और इस अवस्था में भी मतलब हमारे घर पर सारा काम यही संभालती है, कभी भी बहनी माने इसने किसी प्रकार का। इस घटना में घायल हरकिशन उर्फ हरिया बॉक्सर रवि के कथित हत्या के मामले में फिलहाल जमानत पर है। हालांकि परिवार का दावा है कि वे हमलावर को नहीं पहचानते हैं। वहीं इस मामले में भिवानी पुलिस ने धारा 307 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। हमारे पास सूचना आई थी कि भी डाबर कॉलोनी में फायरिंग हो गई है, करीब 8:30 बजे की घटना बताया थी। मौका पे पहुंच के पता किया तो परिवारजनों ने बताया कि भी दो बाइकों पे टोटल 4 लड़के आए थे और उन्होंने करीब 8-10 राउंड फायर किए हैं। तो हमारी टीमें अलग अलग CIA और पहुंच गई थी मौके पे। इंजर्ड को जो है जो हरिकिशन उर्फ हरिया है उसको PGI रोहतक रेफर किया गया है, गनशॉट इंजरी है उसे। इनके इंजर्ड के अगेंस्ट पहले भी पर्चे दर्ज हैं,